वैसे ज़्यादातर लोग जब अपने घर के लिए पहली बार एयर कंडीशन खरीदने जाते हैं तो उन्हें एसीज के बारे में इतना काफ़ी कुछ नॉलेज होता नहीं है, जिसके वजह से वो अपने लिए एक गलत एसी का चुनाव कर बैठते हैं और बाद में घर आने के बाद वो कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे एसी का जो ब्रांड है वो बेकार है, हमारा एसी अच्छे से कूलिंग नहीं करता है, हमारा एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और तमाम तरह की और भी दिक्कतें। तो अगर आप भी इन दिक्कतों से बचना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरा नाम है मानवेंद्र, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक क्लोनिंग। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गलत एसी खरीद लेने का। तो गलत एसी का मतलब क्या है, क्या कोई एसी खराब होता है, क्या कोई एसी गलत हो सकता है? तो डेफिनेटली दोस्तों जो ब्रांड्स के एसी आते हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। गलत एसी का मतलब ये है कि आपका जो पर्पज है वो फुलफिल ना हो पाए उस एसी के बदौलत जिसे आपने मार्केट से परचेज किया है, यानी कि आपका एसी आपके हिसाब से अच्छी कूलिंग प्रोवाइड ना कर पाए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करे। तो ये होता है गलत एसी का डिफिनेशन। अब अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो तो इसके पीछे मैंने 5 पॉइंट्स बता रखे हैं। सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, हो सकेगा तो नोट करके मार्केट जाइएगा अपने एसी को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट निकल के आता है वो है कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसी के कैपेसिटी, जिसे कि हम टनेज में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपने सुना होगा एसी हाफ टन का आता है, एक टन का आता है, डेढ़ टन का आता है, दो टन का, ढाई टन का, तीन टन का, ऐसे आपको यूजुअली मार्केट में अलग अलग टनेज के एयर कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। अभी फ्रेंड आपके कमरे या फिर आपके हॉल या फिर आपके ऑफिस के लिए कितने टन का एसी सूटेबल होगा ये पता करने के लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला बताया यहाँ पे। वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे एक मैं नॉर्मल फार्मूला आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या करिए कि जितने बाई जितने का आपका रूम है उसे लीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करिए और उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर आपका रूम 10x10 फीट का है तो आप 10 × 10 = 100 square feet हुआ, उसे 100 से आप डिवाइड करिए, वो निकल के आएगा 1। और 1 टन का एसी आपके उस 10x10 कमरे के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। उसी तरह से अगर आपका कमरा 12x15 का है तो यहाँ पर जो स्क्वायर कर जब आप उसे मल्टीप्लाई करिएगा तो वो आएगा 180 square feet। अब उसे आप 100 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे 1.8 टन निकल के आएगा। अब 1.8 टन मिलना मुश्किल है मार्केट में, तो आप वहाँ पे 2 टन का एसी खरीद सकते हो। तो इसी तरह से आप अपने कमरे के लिए सूटेबल टनेज को कैलकुलेट भी कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा कि अगर आपका सेम कमरा, सेम साइज का कमरा अगर रूफ टॉप पे है, यानी कि छत पे है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आपके छत पे पड़ती है, तो उस कंडीशन पे अगर आपके कमरे में 1 टन का एसी निकल के आ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से तो आपको 1.5 टन का एसी लेना चाहिए, अगर 1.5 टन का निकल के आ रहा है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इससे आपकी कूलिंग बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी और आपको बहुत ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा आपके कमरे के अंदर। दोस्तों दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एयर कंडीशंस की बात होगी। यूजुअली मार्केट में बहुत सारे एयर कंडीशंस देखने को आपको मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मिलते हैं, बट हम जो घर पे यूजुअली यूज़ करते हैं वो है स्प्लिट एसी और विंडो एसी। अब यहाँ पर विंडो एसी किन्हें लेना चाहिए, जिनके घर में दोस्तों विंडो की जगह हो। एक्चुअली विंडो एसी बहुत फास्ट कूलिंग करते हैं और इनकी कूलिंग काफ़ी अच्छी भी होती है, तो अगर आपके कमरे में विंडो लगाने की विंडोज़ हैं जहाँ पर आप अपने एसी को इंस्टॉल करा सकते हो तो आपको डेफिनेटली विंडो एसी के साथ ही जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों विंडो एसी का एक ड्रॉबैक ये भी है कि काफ़ी नॉइजी होते हैं, तो अगर आपको नॉइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू शुड गो विद अ विंडो एसी, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ मतलब लाइफ स्पैन होता है इनका, जैसे गैस लीकेज और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है बीच में, रिपेयरिंग कॉस्ट जो आती है वो भी विंडो एसी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है स्प्लिट एसी की तुलना में। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो स्प्लिट एसी आते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एक स्प्लिट एसी होते हैं तो उनमें जो आउटडोर यूनिट होता है वो आपके घर के बाहर होता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे कोई भी नॉइज़ देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड स्प्लिट एसी सबसे ज़्यादा कारगर उस घरों के लिए है जैसे जो फ्लैट नुमा लोग घरों में रहते हैं, तो वहाँ पर हर कमरे में विंडो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे लोग स्प्लिट एसी इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक होल करना होता है और आउटडोर यूनिट बाहर होता है, इंडोर यूनिट अंदर होता है, तो इस तरीके से उन लोगों को स्प्लिट एसी के साथ जाना चाहिए। साथ ही साथ फ्रेंड स्प्लिट एसी में आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों तरह की टेक्नोलॉजी भी मिल जाती हैं, आजकल तो विंडोज़ में भी आने लगे हैं, बट स्प्लिट एसी में ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वेरियंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे वाईफाई और ये सारी स्मार्ट एयर कंडीशंस भी आते हैं, तो अगर इस टाइप के आप थोड़ा सा एयर कंडीशंस को प्रेफर करना चाहते हैं, थोड़ा आजकल के नए जमाने या मॉडर्न एयर कंडीशंस के बारे में
के साथ जाना चाहते हैं तो आप जरूर एक स्प्लिट एसी खरीद सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी ऑफ एसीज। चलिए दोस्तों आपको पता है समय के साथ हर चीज़ की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो साथ ही साथ एयर कंडीशन पे भी ऐसा ही है, इनकी भी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती रह रही हैं लगातार। तो यहाँ पे भी आपको दो मेन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एक होता है नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एक होता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब किन लोगों को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए और किन लोगों को नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपके एयर कंडीशन का यूजेज जो है वो 8 घंटे से कम है, यानी 5-6 घंटे तक आप अगर अपने एसी को यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, तो आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी आपके लिए एक फ़ायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी कंपैरिजन में इन्वर्टर एसी कंपैरिजन में सस्ते भी आते हैं। और वहीं पे दोस्तों अगर आपका जो यूजेज है वो अगर 8 घंटे से ज़्यादा का है डेली बेसिस पे, यानी आप 10-12-15 घंटे आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो अपने एसीज को, तो वहाँ पे आपको हमेशा और हमेशा एक इन्वर्टर एयर कंडीशन ही चुनना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्टार रेटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, 3 स्टार से कम तो कोई एसी आपको लेना ही नहीं चाहिए आज के समय में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप अपने एसी को अपने शॉप पे लगाना चाहते हो, ऑफिस में या फिर स्कूल्स वगैरह में लगाना चाहते हो जहाँ पे हमेशा दरवाजे खुलते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको हमेशा एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन ही लगवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी जो कूलिंग है वो प्रॉपरली बनी रहती है, क्योंकि जो नॉन इन्वर्टर एसीज होते हैं उसमें वेरिएबल स्पीड पे कंप्रेसर नहीं चलता है, बल्कि वो कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड पे चलता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही एसी ऑन हो जाता है, टेम्परेचर को कम कर देता है, तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग मिल जाती है ओपन एरियाज़ में जहाँ पे मतलब कमरे इतने अच्छे से सील नहीं है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं पे अगर आपका कमरा बहुत ही अच्छे से सील है, प्रॉपरली सील है, अपने कमरे के लिए आप लगाना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे आपको एक इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी में फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में वो एक्चुअली उनका जो कंप्रेसर है वो डीसी कंप्रेसर होता है, इसीलिए उसको इन्वर्टर से चलाना पड़ता है, तो डीसी कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पे चलता है, तो वो जब स्टार्टिंग में वो फुल लोड पे चलता है बाद में धीरे धीरे लोड कम कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम हो जाता है, तो इससे बिजली का बिल भी बचता है और आपको एक काफ़ी कंफर्टेबल कूलिंग देखने को मिलती है आपके कमरे के अंदर। आपने 26 लगा दिया तो 26 के अराउंड ही कूलिंग रहेगी, नॉन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता, 26 लगाया ना तो 25 से नीचे जाएगा तो कूलिंग बंद हो जाएगी, 27 से ऊपर जाएगा तो कूलिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे क्या होता है ना, आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर गैप देखने को मिलता है, थोड़ा कभी गर्मी लगेगी कभी सर्दी लगेगी नॉन इन्वर्टर वाले केस में। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है एयर कंडीशन के ब्रांड से रिलेटेड। यहाँ पर फ्रेंड आपको पता है एसी के महंगे आते हैं, तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का एसी लो, यूजुअली आपको बहुत ही अच्छा सर्विस वगैरह देखने को मिल ही जाता है और उनका जो लाइफ भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे मटेरियल्स और काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स वो यूज़ करते हैं अपने एसी में। बट फ्रेंड यहाँ पर टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस ब्रांड का एयर कंडीशन चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने एरिया में पता करना होगा कि आप जिस ब्रांड का एयर कंडीशन लेना चाहते हो उस ब्रांड का सर्विस सेंटर है कि नहीं, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये आप अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हो अगर उनके पास सेम ब्रांड का एसी है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड का सिलेक्शन खुद करोगे अपने एरिया और अपने लोकेशन के हिसाब से, ताकि अब जैसे किसी के एरिया में वोल्टास का एसी का जो आफ्टर सेल सर्विस है या फिर सर्विस सेंटर है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है, और कहीं कहीं पे हिटाची का है, कहीं पे सैमसंग है, तो कहीं पे एलजी है। तो इस तरीके से आप अपने लोकेलिटी पे डिपेंड करो कि आपको कौन से ब्रांड का एसी लेना है। आप किसी ब्रांड के प्यार में मत चले जाइएगा कि मुझे तो ये ब्रांड अच्छा लगता है मैं एसी का लूँगा। आप पहले रिसर्च करो कि उस क्षेत्र में सर्विस सेंटर वगैरह कैसे हैं, उनके इंजीनियर्स वगैरह कैसे हैं, टाइमली वो डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं अपनी सर्विस को, ये सारी चीज़ें पता करो, देन आप अपने एसी के ब्रांड का सिलेक्शन करिएगा। तो ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका सिलेक्शन खुद करिएगा। जो पाँचवा पॉइंट है फ्रेंड वो काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एसी के प्राइजेस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एसी बहुत महंगे आते हैं, मतलब 30-40-50 हज़ार तक से एसी स्टार्टिंग रेंज यही होती है, बाकी महंगे तो खैर कितने भी आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपको हमेशा एक चीप एंड बेस्ट एयर कंडीशन के साथ जाना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे आपको कभी भी टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि एसी आपने एक बार ख़रीद लिया है तो आपको काफ़ी दिनों तक उसे यूज़ करना है, मतलब कम से कम 10 साल तक आप उसे यूज़ करोगे, तो इसलिए बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाइएगा, ताकि टेक्नोलॉजी पुरानी होते होते भी आफ्टर 10 ईयर भी आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है हमारी। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एक लिस्ट बनाया है चीप एंड बेस्ट एयर कंडीशन का, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और प्राइजेज जो है वो वेरी करते रहते हैं, आपको पता ही, तो मैं यहाँ पे प्राइजेज डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, आप जाके खुद से चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे डील्स वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।